सिम्बायोसिस हमेशा छात्रों को कौशल्य बढ़ाने में विश्वास करता है और उसी दृष्टि के साथ अपने नागपुर परिसर में SCSD शुरू किया है और इसके तहत कौशल्य से जुड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन यहां किया जाता है, जिसके तहत आरंभ 2024 का आयोजन किया गया था, जिसकी जानकारी साझा की है सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल। इन्होंने सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट 2019 में अस्तित्व में आया और मध्य भारत में एक प्रमुख कौशल विकास केंद्र के रूप में कार्य करता है, जहां छात्रों के स्किल से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे छात्रों को नई नई जानकारी जानने और सीखने को मिले। इसी उद्देश्य से आरंभ 2024 का आयोजन किया गया है। इसके तहत लुक एंड लर्न सेमिनार का आयोजन किया गया था, जहाँ गौरव भारद्वाज द्वारा मार्गदर्शन किया गया, जिसका लाभ शहर के ही नहीं तो अन्य जिलों से आए मेकअप आर्टिस्ट ने लिया। इसके साथ ही मेकअप कंपटीशन में भी कई मेकअप आर्टिस्ट ने अपने मॉडल्स के साथ शामिल हुए, जिसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। सिम्बायोसिस की ओर से जो है सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट की ओर से आरंभ 2024 का आयोजन किया गया था और आज जो है ये प्रोग्राम जो है ये इवेंट हो रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है लुक एंड लर्न सेमिनार भी यहाँ पे शुरू है, साथ ही साथ मेकअप कंपटीशन है और जिसमें अपने मॉडल्स लेकर कई मेकअप आर्टिस्ट यहाँ आए हैं। हमारे साथ फिलहाल एक मेकअप आर्टिस्ट है, उनसे हम जानते हैं कि उन्होंने आज कौन सा लुक दिया है मॉडल को अपने और वो कहाँ से आए हैं या यही कि वो स्टूडेंट है क्या है, उनसे ही जानते हैं। चलिए मेरे साथ। हेलो, मैं सारिका छन्ने हूँ, भंडारा जिले से हूँ और 2 साल पहले मैंने यहाँ पर यानी प्रोफेशनल का बेसिक कोर्स करी हूँ, तो बहुत अच्छा यहाँ पर मुझे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा और काफ़ी अच्छा मैं मेकअप कर लेती हूँ। और ये मेरी मॉडल है, इनका मैंने सारी लुक आज की हूँ और यहाँ पर आने के बाद यानी बहुत अच्छा लग रहा है और कंपटीशन भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ है और बाकी सब कुछ ठीक ही है। आपने जो मेकअप किया है बहुत ही प्यारा मेकअप किया है, ये लुक कौन सा है ये आप बताइए और आपको मेकअप कैसा लगा ये बताइए। ये लुक तो सारी ब्राइट लुक है और बहुत अच्छा मेकअप किया है ये तो। अच्छा, बहुत अच्छा मेकअप किया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है और आज कंपटीशन है, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। देखा कि ये साड़ी में ब्राइडल लुक दिया है इन्होंने और ये भी सिम्बायोसिस से पहले सीख कर गए हैं और आज जो है आरंभ 2024 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है अपने प्यारे सी मॉडल के साथ। और भी हमारे साथ मॉडल्स है और यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी हम जानते हैं, मेकअप आर्टिस्ट है, उनसे भी जानते हैं कि उन्हें आरंभ 2024 का ये इवेंट कैसा लगा। चलिए मेरे साथ। वंशिका वाघमारे हमारा नाम है, हम मारोटी मौदा से है और हम पार्टिसिपेट किए हैं 2024 में और यहाँ हर प्रोग्राम बहुत अच्छे किए जा रहे हैं और बस इतना ही कहना चाहती हूँ। रिसेप्शन लुक दिया है मैंने मॉडल को, थोड़ा उतना हेवी नहीं किया। मेरा नाम मानसी बाराई है, मैं मौदा से हूँ और मेरा रिसेप्शन लुक किया है वंशिका मेकओवर ने, बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है और नेचुरल मेकअप लुक दिया है, कुछ ज़्यादा हेवी नहीं किया, कुछ नहीं, बहुत अच्छा और बहुत प्यारी प्यारी हेयर स्टाइल बनाती है। एक्चुअली ये मेरी फ्रेंड ही है और बहुत अच्छा मेकअप करती है। सिम्बायोसिस कॉलेज में आए हैं और आरएम 2024 का ये पहला शो था, इवेंट शो था, तो हम लोग आए थे इसमें। यह आके अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम हमने यह शो किया है लेकिन हमें अच्छा लग रहा है यह आके। हमारे साथ है रियाज मेकओवर, जिन्होंने प्यारा सा ऐसा लुक दिया है, उनसे जानते हैं कि आज वो सिम्बायोसिस कॉलेज के सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट के आरंभ 2024 कार्यक्रम में आए हैं अपने मॉडल के साथ, कौन सा लुक दिया है और क्या बताएंगे इसके बारे में। यस मैम, नमस्ते पूरे इंडिया को, पूरे नागपुर को, थैंक यू आपने हमें टाइम दिया। एक्चुअली हमने आज रिसेप्शन लुक दिया है और सेटल नेचुरल लुक दिया है, इनकी स्किन काफ़ी ड्राई थी, रफ थी, बट फिर भी हमने बहुत नेचुरली और सेटल करके दिया है। आई थिंक मैं 22 इयर्स से इस फील्ड में हूँ बट मेरे स्टूडेंट्स और काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि चलो एक बार हम लोग करेंगे पार्टिसिपेट, तो चलो मुझे भी एक नया प्लेटफॉर्म
लेने के लिए अच्छा लगता है। और सिम्बायोसिस का भी मैंने काफ़ी नाम सुना था, यहाँ पे काफ़ी कम बजट में सर अच्छा सिखाते हैं, करवाते हैं। तो जो मेरे स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप यहाँ आ जाओ, 10,000 में मतलब अच्छा सिखा रहे, दैट इज़ वेरी गुड। और काफ़ी मतलब मुझे भी एक्सपीरियंस है उनका, नेचर यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो भी अच्छा लगा, काफ़ी फ्रेंकली और हेल्पिंग नेचर लगा। सो आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लुक एंड यू टेल मी, थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है, इतना सुंदर आपका लुक बनाया है, क्या बताना चाहोगे? मेरा पहली बार है कि मैं मेकओवर करवा रही हूँ रियाज मेकअप क्लिनिक एंड एकेडमी से। रिया जी ने काफ़ी अच्छा मेकअप किया है और वो अपनी फील्ड में वाकईत तारीफ़ के काबिल है क्योंकि वो काफ़ी सालों से इसमें काम कर रही है। मुझे ये लुक देख के बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने पहली बार अपना ऐसा मेकओवर देखा है, तो अच्छा लगा। तो ये रियाज मेकओवर की ओर से हमने देखा कि कितना अच्छा लुक लेकर यहाँ आए हैं। अब देखते हैं कि यहाँ मेकअप कॉम्पिटिशन होने जा रही है, तो क्या इनका अनुभव रहता है? मेरा नाम मीनाक्षी गायकवाड़ है और मैंने सारिका श्रीराव मैम से और वैसे ही वीना मैम जो सिम्बायोसिस कॉलेज में टीच करती है उनसे भी मेकअप सीखा है। और अदर मेकअप के साथ ही जो हम अदर वर्क करते हैं वो भी बहुत अच्छे से सीखे। आज का मैंने जो लुक किया है वो वेस्टर्न लुक है और वेस्टर्न लुक में भी रिसेप्शन लुक है। और रिसेप्शन लुक में मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ अलग करूँ जो सबसे अलग दिखे, और मैंने किया भी, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे ये लगता है कि सच में आई एम वीन। सो कहना मेरा यही है कि हम इतनी में कॉन्फिडेंट क्यों हो, तो वो वन एंड ओनली सिम्बायोसिस कॉलेज, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो एजुकेशन लिया है, जो टीचिंग यहाँ पे हमें मिली है वो बहुत ही अच्छी थी और अलग टेक्निक के साथ हमें सिखाया गया है। यहाँ का एटमोसफियर, यहाँ का माहौल, ये सब बहुत ही अच्छा है। और इतना ही नहीं तो माहौल के साथ हम लोगों में भी जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है वो भी बहुत मायने रखता है, जो सारी चीज़ें हमें यहाँ सिम्बायोसिस कॉलेज से मिली है। सो थैंक्स टू सिम्बायोसिस कॉलेज, थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ वंशिका उपाध्याय और मुझे लुक बहुत ज़्यादा प्रीटी लगा है क्योंकि मीनाक्षी मैम ने फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा लुक करके दिया है। मैंने आज तक बहुत सारे मेकअप कराए बट ऐसा लुक मुझे कहीं नहीं मिला जैसा मैम ने मेरा लुक करा के दिया है। और ये जो रिसेप्शन का जो लुक है, ये जो ड्रेस है, ये इन्होंने अपने हाथों से सिला है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये लुक करके। मैं श्वेता बांधती हूँ, मैं सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर वीना मैम हमारी मैम है और उन्होंने हम लोगों को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सही तरीके से हम लोगों को मेकअप और बाकी सभी जो एडवांस टेक्निक्स हैं उनकी नई टेक्निक्स से उन्होंने हम लोगों को मेकअप ये सब सिखाया है, ब्यूटी टेक्निक्स हम लोगों को। यहाँ पर आके हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला मैम। और ये जो सेंटर है सिम्बायोसिस सेंटर, ये मिडिल क्लास वालों के लिए, लोअर क्लास वालों के लिए, मतलब कम पैसों में आप बहुत कुछ यहाँ पर आकर सीख सकते हैं और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। हमारा बिज़नेस ग्रो कर रहा है मैम, हम लोग एक साधारण गृहिणी से आज हम लोग बिज़नेस वुमेन हो गए। हम लोगों को खुद पर प्राउड हो रहा है कि हम यहाँ पर आके बिज़नेस वुमेन बोल सकते हैं कि नहीं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है मैम। एक नाम है सर, प्रेस्टिजियस नाम है, जो मतलब इसके साथ जुड़ना मतलब अपने लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं 24 के बैच में हूँ, हमने स्किल डेवलपमेंट का कोर्स किया है वीना मैम के। इसमें यहाँ का सिस्टम डिसिप्लिन वगैरह बहुत अच्छा है और यहाँ पे ना लोगों को बहुत नया नया सीखने को मिल रहा है और बहुत कम पैसे में, कम मतलब रेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है और वहाँ सिस्टम बहुत अच्छा है स्किल डेवलपमेंट के बारे में, बिजनेस कैसे करना है, अपने को खुद को इम्प्रूवमेंट कैसे करना है और अपना डेयरिंग कैसे बढ़ाना है, ये सब यहाँ पे बहुत अच्छे से सिखाया। और ये गरीब लोग बोलो या कोई भी, उनको बहुत अच्छे से फैसिलिटीज़ मिल रही है। पैसे वाले ही कर सकते हैं बट यहाँ पे नॉर्मल पैसे वाले भी बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और सबका बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से किया। और आपका भी थैंक यू, थैंक यू। मैं निशा धोतरकर और यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, बट जो अरेंजमेंट है और जो मतलब प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो हाई वाले कोई है या फिर लोको वाले को, ऐसे कुछ नहीं है। और जो मतलब टेक्निक से या जो मतलब जो अरेंजमेंट है वो बहुत अच्छी लगी मुझे। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टेड है सब कुछ और नया नया है। एक्चुअली मैंने तो मॉडलिंग कई बार किया है लेकिन यहाँ पर आने के लिए ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, वे सब नॉर्मल है और बहुत प्यारा है, अच्छा लगा, सो नाइस, थैंक यू। सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट को शुरू करने का उद्देश्य सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का ये था कि हम लोग एक छोटे छोटे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स कम समय के लिए, जो लोगों का समय नहीं है किसी कारणवश या जो बड़े प्रोग्राम्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उद्देश्य था।
तो अभी पिछले साल भर में हमने जितने लोगों को ट्रेनिंग दी है उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना हमारा उद्देश्य था, इसलिए हमने आरंभ 2024 की घोषणा करी। और ये प्लेटफॉर्म इन सभी बच्चों को, जो करीब अराउंड 500 बच्चों को जिनको हमने ट्रेनिंग दी है, उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है कि जहां वो अपना जो कौशल है उसको प्रदर्शित कर सके। जो प्रोग्राम्स हमने साल भर में रन किए हैं उसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, ये भी इसका भी समावेश है। सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं उनका समावेश है। जो आज प्रोग्राम्स हुए हैं उसमें फैशन शो में एक्चुअली जितनी लेडीज़, महिलाएँ, बच्चियाँ जिन्होंने हमारे यहाँ पर मेकअप सीखा है उन सब के लिए वो प्लेटफॉर्म था कि वो अपने कौशल को प्रदर्शित कर सके। इसलिए ये किया गया है। लुक एंड लर्न सेमिनार भी किया गया है और इसके बाद में अब हम अवार्ड सेरेमनी भी